हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, तो पूरे एक महीने तक लेयर प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी को डीपली रिसर्च करने के बाद मैं स्ट्रेटजी आप सभी के लिए लाया हूं। इस स्ट्रेटजी को हम इन डेप्थ सीखेंगे एंड ट्रस्ट मी, ये वन ऑफ द बेस्ट एंड न्यूली डेवलप्ड स्ट्रेटजी है। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्टेड टुडे वीडियो। इन दिस वीडियो आज मैं फर्स्ट लेयर को रिवील करूंगा। आप आज इस इंडिकेटर को सीख के अपने अकॉर्डिंग चार्ट में अप्लाई करें और मार्केट को एनालाइज करें। बाकी इस सीरीज का दो और वीडियो कुछ ही दिनों में चैनल में अपलोड हो जाएगा। तो अब हमें एक इंडिकेटर को ऐड करना है जिसे हम ओनली स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए यूज करेंगे। सो इंडिकेटर के सेक्शन में जाकर अनलिमिटेड मूविंग एवरेज टाइप करें एंड इस वाले इंडिकेटर को ऐड कर लें। ये इंडिकेटर काफी एडवांस है तो इसके सेटिंग में जाकर आप कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप इसे बाय डिफॉल्ट ही ऐड कर लें। यहाँ हमें एक ही लाइन दो कलर में देखने को मिलता है। ग्रीन कलर का लाइन जब भी बने इसका मतलब है कि मार्केट अभी पॉजिटिव है एंड रेड लाइन हमें यह इंडिकेट करता है कि मार्केट अभी नेगेटिव है, या कहे तो मार्केट अभी डाउन साइड की ओर मूव कर रहा है। इस इंडिकेटर को यूज करना है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट, ओनली ये इंडिकेटर ही इनफ नहीं है फॉर स्विंग ट्रेडिंग। इसके साथ हमें एक और इंडिकेटर का यूज करना पड़ेगा जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। सेकेंड, आपको साइडवेज मार्केट में इस स्ट्रेटजी को अप्लाई नहीं करना है। साइडवेज मार्केट को फाइंड करने के लिए आपको चार्ट में इस इंडिकेटर को अप्लाई करके ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि यह इंडिकेटर साइडवेज मार्केट में कैसे रिएक्ट करता है। और इससे भी सिंपल वे यह है कि आप साइडवेज मार्केट को कैच करने के लिए इस वाले वीडियो को देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड थर्ड बात ध्यान ये रखे कि स्ट्रेटजी सीख के सीधे मार्केट में ट्रेडिंग के लिए जंप नहीं करना है। फर्स्ट वीक आपको 10 स्टॉक चूज करके उसमें डेमो अकाउंट से ट्रेडिंग करना है इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करके। अगर रिजल्ट अच्छा है तो आप इस स्ट्रेटजी का यूज करके अपने मेन अकाउंट से ट्रेडिंग कर सकते हैं विद ऑन रिस्क। नाउ लुक है, आपको इस इंडिकेटर के साथ एक और इंडिकेटर को ऐड करना पड़ेगा फॉर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन, और ये एक वर्ल्ड वाइड फेमस इंडिकेटर है MACD। इसे ऐड कर ले। इसके सेटिंग के स्टाइल सेक्शन में जाना है और इन दोनों को अनचेक करके सेट कर लेना है। चलिए मैं अब आपको प्रॉपर वे से लर्निंग करके यह स्ट्रेटजी सिखा देता हूं। बाकी परफेक्ट होने के लिए आपको खुद ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहां देख सकते हैं बैंक निफ्टी का यह चार्ट है। अब ध्यान दें, यहां कैंडल भी ग्रीन है और MACD भी पॉजिटिव है, बट हमारा मास्टर लाइन रेड है तो इसे हमें इग्नोर करना है। नाउ जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े अब देखें, यहां MACD और MA लाइन दोनों ही ग्रीन है लेकिन ये कैंडल तो रेड है तो इसे भी इग्नोर करें। जब भी ये लाइन MACD और कैंडल तीनों ग्रीन हो तभी हमें पोजीशन टेक करना है। लाइक यहां पे सारा कंपोनेंट ग्रीन है तो इस कैंडल के ऊपर हमें पोजीशन लेना है और स्टॉप लॉस लास्ट कलर चेंज के लाइन में सेट करें एंड अपना प्रॉफिट टारगेट अपने SL के अकॉर्डिंग सेट कर लें। और आप देख सकते हैं काफी इजीली हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये मैंने एक्सिस बैंक का स्टॉक ओपन किया है और यहां देख सकते हैं मार्केट साइडवेज था, therefore इंडिकेटर हमें एक्यूरेट सिग्नल नहीं दे रहा था। अब जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े अब यहां देखें, यहां तीनों कंपोनेंट कैंडल MACD और एडवांस MA लाइन ग्रीन है तो इस कैंडल के ऊपर हमें पोजीशन टेक करना है और SL लास्ट कलर चेंज में सेट करें। नाउ सेट योर प्रॉफिट एंड ओके, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। तो देखा आप लोगों ने ये कितना सिंपल एंड एडवांस स्ट्रेटजी है।
अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। और हाँ, हम 1K सब्सक्राइबर के एकदम पास है। वैसे तो मैं सब्सक्राइब करने के लिए कभी भी नहीं बोलता, लेकिन आज आप सपोर्ट करने के लिए माय मार्केट की यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय एंड टेक केयर।